दोस्तों आज के वीडियो में आपको जानकारी देने वाले फ्रेंड्स, आप कैसे ट्रेन टिकट फॉर्म आप कैसे भर सकते हो, आपको पूरा जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो ट्रेन नेम एंड और यहां पर नंबर, आप यहां पर ट्रेन का नाम भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर ट्रेन का नंबर लिख सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको डेट ऑफ जर्नी, आप कब यात्रा करना चाहते हो उस दिन का यहाँ पर आपको सिंपली डेट लिखना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर क्लास, आप कौन सा टिकट बुक करना चाहते हो, 2S का, फर्स्ट AC, स्लीपर या थर्ड AC का, तो आपको सिंपली यहाँ पर सिंपली लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर को यहाँ पर सीट, कितने लोग का यहाँ पर आप टिकट बुक करना चाहते हो। जैसे गाइस यहाँ पर मैं 6 पैसेंजर का टिकट बुक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको सिंपली 6 सीट लिख देना है। जैसे गाइस यहाँ पर आप 3 जन का टिकट बुक करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको सिंपली 3 लिख देना है। उसके बाद गाइस आपको सिंपली ये वाले कॉलम को छोड़ देना है। आपको यहाँ पर सिंपली स्टेशन फॉर्म, आप कहाँ से गाड़ी बैठना चाहते हो। जैसे गाइस मैं यहाँ से यात्रा करना चाहता हूँ LTT से, तो सिंपली गाइस यहाँ पर मैं LTT लिख देता हूँ। उसके बाद 2, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, आपको सिंपली उस स्टेशन का नाम लिख देना है। जैसे गाइस मैं प्रयागराज स्टेशन पर उतरना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, आपको सही सही मोबाइल नंबर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर PR नंबर और आपका सीट नंबर भेजा जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको पेमेंट मोड, आप किस टाइप से पेमेंट करना चाहते हो, कैश, ऑनलाइन, डेबिट। जैसे गाइस मैं यहाँ पर कैश देना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर सिंपली कैश लिख देना है। उसके बाद गाइस इस फॉर्म से आप 6 लोग का टिकट निकाल सकते हो। तो गाइस मैंने यहाँ पर 6 पैसेंजर का नाम लिख दिया हूँ, और यहाँ पर आपको सिंपली जेंडर लिख देना है, और यहाँ पर आपको सिंपली एज लिख देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सिंपली नेम ऑफ अप्लीकेंट, मतलब ये जो फॉर्म स्टेशन पर जाके कौन भरेगा उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम होगा, और यहाँ पर आपको सिंपली अपना एड्रेस दे देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिए थे सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद डेट, आप ये फॉर्म कब भरना चाहते हो, कब काउंटर में जमा करना चाहते हो, उस दिन का यहाँ पर आपको सिंपली डेट फिलअप करना होगा, और टाइम, और कैसे जो फॉर्म भर रहा है उसका यहाँ पर सिग्नेचर होगा, और उसके बाद आपको सिंपली ये फॉर्म दे देना काउंटर पर। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इतने फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।